तो गाइस इस वाले वेबसाइट पे ऑलमोस्ट 2.5 मिलियंस का ट्रैफिक है और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 27% ट्रैफिक खाली यूएसए कंट्री से आ रहा है। तो गाइस इस वेबसाइट पे आप बैकलिंक्स कैसे बनाओगे, मींस आर्टिकल सबमिशन, और इस वाले वेबसाइट पे ऑलमोस्ट हर नीच का रिलेटेड है। आप देख सकते हो गाइस प्रॉपर न्यूज़ वेबसाइट है, यहाँ पर आप किसी भी नीच के रिलेटेड आप बैकलिंक्स बना सकते हो, वो भी आर्टिकल सबमिशन रहेगा। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। उससे पहले गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। उसके अलावा जो भी आपके जो डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, आप मुझे वीडियो को नीचे कमेंट कर देना, या तो गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। इसके अलावा गाइस जल्दी जो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको करना क्या है, लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी 429 फॉलोवर्स हो चुके हैं, मीन्स 429 फैमिली हो चुका है व्हाट्सएप पे। तो गाइस जल्दी जो जल्दी से ज्वाइन कर लो। तो गाइस वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस ये है वेबसाइट, इस वेबसाइट का सबसे पहले DAPA स्पैम्स करो डोमेन रेटिंग चेक करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे DA42 है और PA43 है, लेकिन स्पैम्स को 11% है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस वेबसाइट का आप देख सकते हो ऑलरेडी 2 साल पुरानी वेबसाइट है और इस वेबसाइट की डोमेन रेटिंग आप देख सकते हो वो है 61। तो गाइस इस वेबसाइट में बैकलिंक्स कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो गाइस जैसे आप वेबसाइट को ओपन करोगे, वेबसाइट को ओपन करने के बाद सबसे टॉप पे आपको साइनअप का ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। साइनअप पे आपको जाना है और साइनअप कैसे करना है वो भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस वेबसाइट पे यूएसए का ट्रैफिक सबसे ज़्यादा यूएसए का ट्रैफिक है। तो गाइस बैकलिंक जरूर बनाना। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे जो है मैंने साइनअप पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो मेल के थ्रू आप साइनअप कर सकते हो, गूगल के थ्रू आप साइनअप कर सकते हो, या तो फेसबुक के थ्रू आप कर सकते हो, या एप्पल के थ्रू कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे जो है मैं गूगल के थ्रू यहाँ पे मैं साइन अप कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने गूगल के थ्रू साइन अप पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो अकाउंट है यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे साइन अप हो चुका है। साइन अप होने के बाद सबसे टॉप पे आपको जो है 3 ऑप्शन दिख रहा होगा, एक है क्रिएट पोस्ट का और एक है क्रिएट आर्टिकल का, राइट आर्टिकल का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको राइट आर्टिकल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोड होगा, लोड होने के बाद आपके पास इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको ऐड न्यू का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे आपके पास जो है कंटेंट मीन्स आर्टिकल लिखने का प्रॉपर एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आप आर्टिकल कैसे लिखोगे वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है, उसके बाद एस टैग हो गया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके बाद कंटेंट हो गया। अब कंटेंट के बाद आपको थंबनेल यूज़ करना है, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा, फिर उसके बाद कंटेंट का लैंग्वेज, कौन सा कंटेंट लैंग्वेज है, मीन जो भी आप कंटेंट पब्लिश करोगे उसका लैंग्वेज क्या रहेगा, उसके बाद टैग होगा। तो गाइज ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट करना है। तो गाइज वन बाय वन मैं ये सारी चीज़ें अपडेट कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने सारे डिटेल्स को यहाँ पे अपडेट कर दिया, टाइटल अपडेट हो गया, हैशटैग अपडेट हो गया, डिस्क्रिप्शन अपडेट हो गया, कंटेंट भी अपडेट हो गया। लेकिन कंटेंट में आप हाइपरलिंक कैसे करोगे वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। जो भी आपका जो कीवर्ड है सबसे पहले उस कीवर्ड को सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल गाइज यहाँ पे मेरा एक कीवर्ड है, कीवर्ड को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है टॉप पे जो है हाइपरलिंक ऑप्शन दिखेगा, उस वाले हाइपरलिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यूआरएल को बस कॉपी पेस्ट कर देना, आपका जो हाइपरलिंक है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखना, जब भी आप आर्टिकल सबमिशन करते हो या गेस्ट पोस्टिंग करते हो, कम से कम एक लिंक तो आप करते ही करते हो, लेकिन एक के जगह 2 लिंक जरूर करना। मीन्स एक लिंक सबसे ऊपर होना चाहिए, एक लिंक सबसे नीचे होना चाहिए, जिससे क्या होता है क्रॉलिंग अच्छा होता है। तो गाइस यहाँ पे देखते हो यहाँ पे आप डिफरेंट लिंकिंग भी आप कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मैंने 2 लिंकिंग कर लिया और यहाँ पे मैंने थंबनेल भी अपडेट कर दिया। यहाँ पे कैटेगरी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारी कैटेगरी यहाँ पे कवर, आप देख सकते हो लाइफ टाइम के रिलेटेड, मीन्स लाइफ स्टाइल के रिलेटेड, म्यूजिक के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, डांस के रिलेटेड, प्रॉपर सारी कैटेगरी यहाँ पे लगभग यहाँ पे सारी कैटेगरी यहाँ पे कवर है। उसके बाद कंटेंट लैंग्वेज आपका इंग्लिश रहेगा। उसके बाद यहाँ पे टैग का भी ऑप्शन है, एक टैग यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, 1 से 2 टैग आप अपडेट कर देना, बाकी आपकी मर्जी है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे टॉप में पब्लिश नो का ऑप्शन दिखेगा, आपको पब्लिश नो पे क्लिक करना है। ये थोड़ा सा लोड होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मेरा जो कंटेंट है यहाँ पे मेरा जो आर्टिकल है वो पब्लिश हो चुका है। लेकिन लाइव यूआरएल के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे ऊपर आपको आइकॉन दिख रहा होगा उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे आपका यूजर नेम दिखेगा, आपको सिंपली आपका यूजर नेम पे जाना है। यूजर नेम पे जाते ही आपको जो है आपका आर्टिकल आपको दिख जाएगा, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसे मैं आर्टिकल पर क्लिक करूँगा आपके पास लाइव यूआरएल आ जाएगा। आप देख सकते हो गाइस इस लिंक को आप ओपन कर लेना, न्यू टैब में चेक कर लेना कि ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा, और इसके साथ में इसको इंस्पेक्ट भी करना।
तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरा जो आर्टिकल है यहाँ पे ओपन भी हो रहा है, और यहाँ पे जो मेरा जो लिंक है, लिंक भी मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 100% नो फॉलो बैक लिंक है, कहीं पे भी डू फॉलो नहीं लिखा हुआ, मीन्स डू फॉलो नहीं है, नो फॉलो लिखा है, तो मीन्स नो फॉलो लिंक है। अब इस लिंक को अगर मैं ओपन करता हूँ कि वेबसाइट ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो भी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस जो मैंने जो ऐप पर लिंक करा था, अब उस वाले ऐप पर लिंक पे जो है मैं क्लिक करता हूँ, मीन्स जहाँ पे लिंकिंग करी थी, क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरा वेबसाइट भी ओपन हो रहा है। तो गाइस आज के वीडियो बस इतना ही था, अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच गाइस।